किसान विषम परिस्थितियों में सड़क पर खुले आसमान में कड़कड़ाती ठंड में पिछले 47 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान कृषि अध्यादेश के विरोध में सड़कों पर डटे हुए हैं। दूर दराज के पहुंचे किसान द्वारा लंगर चलाकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के काफी संख्या में किसान दिल्ली आंदोलन में पहुँच रहे हैं। आंदोलन में डटे किसानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। विरोध में दिल्ली किसान जयपुर बॉर्डर पर पिछले 47 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। बात करें तो दिल्ली की 5 बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून को बिल को रद्द किया जाए, तभी किसान घर वापसी करेंगे। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये आप हकीकत देख सकते हैं इस समय शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, जहां किसान पिछले कई दिनों से लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर 11 किसान आप देख सकते हैं कार्मिक अनशन पर भी बैठे हैं। दूसरी ओर जो जहां पंडाल है वहां पर कुछ ही देर के अंदर यहां पर मंच संचालन होगा, सभा होगी। किसान अलग अलग मुख्य वक्ता के रूप में यहां किसानों के आंदोलन को सभा संबोधित करेंगे। दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है, दूसरी ओर हरियाणा की यहाँ पर अनेक पुलिस लगा रखी है, कमांडो लगा रखे हैं, आरएसी के जवान यहां पर लगा रखे हैं। हालांकि किसान आंदोलन के अंदर डटे हुए किसान यहां पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से 3-4 किलोमीटर लंबी यहां पर लाइनें लगी हुई है। रात्रि में भी किसान यहीं रहते हैं, किसी प्रकार की कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के किसान भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ गड़साना के पूर्व विधायक पवन दुग्गल भी हैं, जो पिछले 47 दिनों से इसी आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं और यहाँ पर खुद डटे हुए हैं। आप पिछले 47 दिनों से यहाँ किसानों के साथ हैं, किस तरीके की व्यवस्था आपको नज़र आ रही है? देखिए, यहाँ आप देख रहे हो कि जिस साझा बॉर्डर के ऊपर एक तरफ इस देश का अन्नदाता किसान है, और इस आंदोलन की खूबसूरती आप देखिए कि जहाँ मोदी और खट्टर सरकार ने पुलिस लगा रखी है, गोलियाँ भर के पुलिस हमारे सामने खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे इस मोर्चे के ऊपर हमारी 25 साल की बेटियां अपने 6-6 महीने के दूध पीते हुए बच्चों को लेकर यहां घूम रही है। हमारी बहनें, हमारी माताएं इस आंदोलन के अंदर अपने सबसे आगे मोर्चे के अंदर खड़ी है। ये ऐसा जन आंदोलन का रूप ले चुका है कि इसके अंदर केवल किसान नहीं, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि किसान आंदोलन है, अब इसके अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ी है, इसके अंदर खेतीहर मजदूर आए हैं, इसके अंदर कर्मचारी वर्ग हमारे जो आए हैं, इसके अंदर जो फैक्ट्रियों में काम करता है, गरीब तबका है, मजदूर है, वो यहाँ आए हैं। तो पूरी तरह ये एक ऐतिहासिक जन आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है। निश्चित रूप से देश की आज़ादी के समय का जो माहौल था उसी तर्ज के ऊपर अब ये दोबारा इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दुनिया के अंदर एक मिसाल के रूप में ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, 500 से अधिक संगठन है। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही है? देखिए, संयुक्त मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि 26 जनवरी इस देश का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 के बाद जो लगातार 2021 तक आया है, जिस प्रकार देश के ऊपर, संविधान के ऊपर हमले हुए हैं, और जिस प्रकार संविधान के साथ छेड़खानियां चल रही है, हमारे संघर्ष समिति ने, संयुक्त मोर्चा ने तय किया कि उसी संविधान की रक्षा करने के लिए उसी दिन को हमने चुना, 26 जनवरी 2021 को हम अपने संविधान में दिए हुए तमाम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए 26 जनवरी को हम उस दिल्ली के लाल किले की परेड के अंदर हमारा किसान ट्रैक्टर लेके जाएगा, जिसमें आज तक आज़ादी के बाद विभिन्न राज्यों की झांकियां देखने को मिलती है, विभिन्न राज्यों का कल्चर देखने को मिलता है। ये पहली बार ऐसा होगा जब इस देश में उस लाल किले के पास किसान का कल्चर, किसान की ताकत और किसान का ट्रैक्टर हम पूरे देश को नहीं, हम दुनिया को दिखाएंगे, उस झांकी के अंदर हम शामिल होंगे। इसके लिए हम पिछले 2-3 दिनों से यहाँ लगभग 100 महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की तैयारियां में लगे हुए हैं हमारे साथी। हम सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि हमें ट्रैक्टर चलाने का उन महिलाओं को न केवल लाइसेंस दिया जाए, बल्कि हम नियमानुसार इन महिलाओं की ताकत के ऊपर हम आगे जाएंगे और हमारी बेटियां नेतृत्व करते हुए ये देश देखेगा। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, कहां पेच फंसा हुआ है?
जो संयुक्त मोर्चा और की जो वार्ता हुई है जो सरकार के साथ के अंदर पेच यहाँ पर फंसा हुआ है कि जो मोदी सरकार है वो हठधर्मिता अपनाई हुई है। मोदी सरकार ये चाह रही है किसानों की अग्नि परीक्षा ले रही है, वो तमाम तरीके से उसके एजेंडे तैयार कर रही है, एंटी प्रोपोगंडा कर रही है, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस बात को दबाया जा रहा है कि ये किसान के जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलनकारी नहीं है, कभी इनको कुछ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देश का जो अन्नदाता देश का जो जवान है ये गुमराह नहीं होने वाला है। मैं भूतपूर्व सैनिक अमरजीत फौजी मेरे नेतृत्व के अंदर मैंने तेजपात दूर से भी बात की गई है और हमारे जितने भी यूनिट के बंदे हैं जो भी रिटायरमेंट बंदे हैं उनसे हमने सबसे बातचीत की है। अभी हमारे साथ के अंदर 20,000 जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ के ऊपर टिकरी बॉर्डर के ऊपर और यहाँ के ऊपर भी आ रहे हैं। यहाँ के ऊपर भी मेरे साथी काफ़ी जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो यहाँ के ऊपर आ चुके हैं, उनसे मैं सारे से संपर्क किया। हमारी कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई है जो नेशनल लेवल के ऊपर वहाँ के ऊपर भी मैंने रात को इंटेलिजेंस से बात की, वहाँ के ऊपर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से मिलिट्री का उपयोग नहीं करेंगे। मेरी जो कोर कमेटी जो कोर कमांडर की जो मीटिंग है उसके अंदर भी मेरी वहाँ के ऊपर ऑफिसर से बातचीत हुई, उन्होंने साफ कर दिया इस चीज़ को कि हम किसी भी तरीके से मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितनी भी दमनकारी नीति अपना ले, हम हमारे जो बेटे हैं जितने भी इंडियन आर्मी के अंदर जो बेटे हैं वो सारे के सारे किसान के बेटे हैं और किसानों के बेटों ने बिल्कुल ये साफ जाहिर कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से जो किसान आंदोलन है चाहे वो किसी भी मोड़ के ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करे, वहाँ के ऊपर अगर वार्ता विफल होती है तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं इस करना चाहूँगा, हमारे जितने भी बंदे हैं उनसे भी करना चाहूँगा, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे भी मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ये आएँ और अपना सहयोग दें और अपने जो देश की जो संविधान है जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई रही है, अभी ये एक आदमी का आंदोलन नहीं है, अभी ये लोकतंत्र को बचाने की आंदोलन है। हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं कोई व्यवस्था में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर ये आंदोलन लंबा खींचता है तो अनेक प्रकार की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सर अगर ये और भी लंबा खींचेगा तो ये हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड का अन्नदाता है, जब अन्नदाता अपनी ज़मीन को जो उगाता है तो अब उगा जो बेच देते हम बाज़ार में उसको बेचेंगे नहीं, हम यहाँ पे अपने लंगर में लाएंगे खाएंगे और बनाएंगे। भाई हमें किसी से गवर्नमेंट से तो कोई आ नहीं रहा, जो लोग कहते हैं भाई ये तो वहाँ इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अन्नदाता है अन्नदाता ही रहेगा। अब तक तो हम अपने सामान को बाज़ारों में बेच देते लेकिन अब नहीं बेचेंगे, क्यों, हमें खुद यहाँ पर अपने जो है ज़रूरत है। और जो क्या नाम है लोग कहते हैं भाई ये तो जो है मटर पनीर, अरे अन्नदाता तुम समझो, आज तो हम ये खा रहे हैं, अगर ये भी चली गई तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मेरे भाइयों आज हमें गर्व, आज हमें रोने वाली बात है कि आज हमारे अंदर हमारे को हमारे देश के अंदर जो है कहते थे एक फिल्म थी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, हम कहते हैं अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे। ए सरकार सुन लो, अगर ज़मीन मांगोगे तो हम चीर देंगे। हम 26 तारीख को यहाँ से रैली करेंगे इंशाल्लाह, अगर जाने देंगे तो ठीक है, हम अब ये इरादा करके आए अपने घर से, या तो हम ये आंदोलन को जीत करके जाएंगे, अगर जीत करके भी नहीं जाएंगे तो हम अपने घर तिरंगे में जाएंगे, हम ये ऐलान कर चुके हैं। और ये हमारे जो है यहाँ पर अन्नदाता बैठे हुए हैं ये भूख हड़ताल पे किस लिए बैठे, सिर्फ हमारी यही मांग है MSP को और उसको जो है खारिज किया जाए और अन्नदाता की बात को सुना जाए। और जो लोग किसान लोग हैं ये जो हमारे पुलिस जवान भाई हैं और मिलिट्री लोग हैं ये भी अन्नदाता की औलाद है, ये कोई अलग थोड़ी है। इन आज एक वक्त वो था कि आज बेटा बाप के आगे बीड़ी नहीं पीता था, पानी नहीं पीता था, आज उनको इन्होंने जो है आमने सामने गोली मारने के लिए खड़ा कर दिया, क्यों? तो इसलिए भाई मैं कहता हूँ, अपील करता हूँ तमाम वर्ल्ड के अन्नदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और उनको यहाँ पर जो है अन्नदाता के साथ सहयोग दें इंशाल्लाह। अनेक न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किसान गाजर पाक व गूंद पाक खा रहे हैं। जब गाजर बनाने वाला गाजर पाक नहीं खाएगा तो कौन खाएगा भाई? हम तो पैदा करेंगे, हम अपने लिए खाएंगे, अपने बेटे के लिए खाएंगे, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने परिवार के लिए, ये हमारा परिवार है, हम इनके लिए जब पैदा करें यही तो पैदा करें, और पैदा करने वाली चीज़ पे हमारा अधिकार है, नैतिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल अधिकार है। हम गाजर पाक भी खाएंगे, हम बादाम भी खाएंगे, लेकिन सरकार की जो ये नीति है जन विरोधी नीति है इसको तोड़ने का काम हमारा अन्नदाता हमारे नौजवान करेंगे। बिल्कुल, अब इस क्षेत्र के जो भी किसान पहुंचे हैं वो इस समय यहाँ किसान आंदोलन के रूप में डट चुके हैं और पक्के हो चुके हैं। रात को अलाव का भी सहारा लेते हैं, पूरी रात जागते भी रहते हैं, पहरेदारी भी करते हैं। किसान अब अपनी एक ही मांग है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, शाहजहांपुर बॉर्डर, दिल्ली।